अब देखिए बच्चे, जैसे यहां पर आपके पास में क्वेश्चन है, तो इस केस में भी आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ग्रुपिंग मेथड करेंगे, बट आपके पास अब कॉन्टिन्यूस सीरीज का पार्ट आ गया, तो ग्रुपिंग मेथड में आपके पास में टोटल सिक्स आप कॉलम होनी चाहिए। एक तो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी है, ये सेकंड कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर और एक कॉलम, ये ज्यादा हो गया, सेकंड, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, सेकंड, थर्ड, फोर, फिफ्थ, सिक्स, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास में एफ, और इसको हम फर्स्ट कॉलम बोलेंगे, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स्थ कॉलम। क्लियर है बच्चे, समझ गए, ग्रुपिंग मेथड से करते हैं आप इसको। तो अब यहां पर आपके पास में सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड में दो डेटा को आप लेके चलेंगे, तो दो दो डेटा को लेके चलेंगे आप, दिस वर 8, 7, 15, और फ्रेश टू फ्रीक्वेंसी लेके, डेटा नहीं सॉरी फ्रीक्वेंसी लेके चलेंगे 40, दिस वन 22। सेकंड के दूसरे कॉलम के दो बनेंगे ना, एक तो बना लिया आपने, एक को स्किप कर दो, 23, 39। अब उसके बाद दो क्या तीन का बनेगा, तो तीन में आपको इस तरीके से तीन लेने हैं आपने, 16 और 7, 23 और 8, 31 और ये 39 और 7, 46। अब एक स्किप कर देंगे और इस तरीके से तीन लेंगे आप, तो आपके पास पे 23 और 24 और 47। एंड उसके बाद नीचे का तीन तो आपके फ्रीक्वेंसी मिल नहीं रहा, तो अब ये भी स्किप कर देंगे, तो आपके पास में 16, आपके पास में 30, 40 एंड 55, ये आपके पास में आ गया। ग्रुपिंग मेथड आपका चल रहा है, ग्रुपिंग मेथड में अब आप क्या करेंगे, वही दो चीजें, आप क्लास इंटरवल लेंगे अपना, एक तो आपके पास में फ्रीक्वेंसी रहेगा, ये आपके पास में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फिफ्थ, सिक्स, यहां पे डेटा रहेगा आपका, और यहां पे आपके पास में कॉलम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फिफ्थ, सिक्स एंड टोटल। अब देख लीजिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर आप कर रहे हैं तो आपका एक्सक्लूसिव पार्ट होना चाहिए, और ये आपके क्वेश्चन में एक्सक्लूसिव का पार्ट है भी। अब यहां पर आपका क्या आएगा, टोटल, ठीक है बच्चे, आप टोटल क्या कह रहे हैं सर, टाइम पहले ग्रुपिंग मेथड कर लीजिए, फिर इसमें बताऊंगा फॉर्मूला कैसे लगाना है आपने। एक्स आपके पास में आ गया, एक्स डेटा आप लिखेंगे, डेटा क्या आपका 0 to 8, 8 से 16, जो फ्रीक्वेंसी का डेटा वही लिखेंगे, 16 से 24, नीचे लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, और 24 से 32, ये नहीं हो पाया इसमें, 32 से 40, ठीक है,
और 40 से, और चाल ये टाइपिंग गलत हुई है, मैं 40 48 है, ठीक है। अब आपके पास में सबसे पहले फर्स्ट में हाईएस्ट क्या है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में 24 जो कि 24 और 32 है, तो फर्स्ट में 24 और 32 है दिस वन। सेकंड में हाईएस्ट क्या है आपका, 40 जो कि 16 से 32 तक है, सेकंड में 16 से 32 तक है। एंड थर्ड में हाईएस्ट क्या है, 39 जो कि 24 से 40 तक है, 24 से 40 तक है। और उसके बाद आपका फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट क्या है, 46 जो कि 24 से 48 तक है, 24 से 48 तक है। और आपके पास में फिफ्थ कॉलम में हाईएस्ट क्या है आपका, 8 से 32 तक, फिफ्थ कॉलम में 8 से 32 तक। और आपके पास में सिक्स कॉलम में, सिक्स कॉलम में आपका हाईएस्ट क्या है, तो सिक्स कॉलम में आपके पास में हाईएस्ट है आपके पास में 16 से 40 तक, सिक्स में 16 to 40। टोटल करेंगे आप तो यहां पर एक है, यहाँ तीन है, और यहां पर एक दो तीन चार पांच छह है, और यहां पर एक दो तीन है, और यहां पर एक है। तो सबसे ज्यादा किसके पास में आया, सबसे ज्यादा आपका आया है किसके पास में, सिक्स। तो आपका इंटरवल का सिलेक्शन आपका हो गया फाइनली, इंटरवल का सिलेक्शन हो गया। क्या है आपका इंटरवल, 24 और 32, तो 24 और 32 दिस वन, ये क्लियर है बच्चे, ये 24 और 32। अब यहां पर आपके पास में इसका फॉर्मल लिखेंगे, अगर आप मोड का, मोड इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0, टू एफ वन माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच या फिर आई, आप बोल सकते हैं, ये है ना आपके पास में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, F1 माइनस F0। अब यहां पर आपके पास में इस इंटरवल में अगर आप देखते हैं तो आपके पास में जो ये सेलेक्ट हुआ, ये आपके पास में F1 है, ठीक है। इसके ऊपर वाला आपका F0 है, और इसके नीचे वाला आपका F2 है, और इसमें आपके पास में L है। तो मैं सारी इंफॉर्मेशन यहां पे डाल देता हूं, कौन सी चीजें क्या हैं। तो इसमें देखेंगे आप, तो L इक्वल्स टू 24 है, और I इक्वल्स टू आपका 8 है, एंड F1 इक्वल्स टू 24 है, और F2 इक्वल्स टू 15 है। एंड मोड का अब आप फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, तो मोड इक्वल्स टू एल, एल आपके क्या है 24 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, F1 क्या आपके पास में F2, एंड F0 क्या आपके पास में F0 16 है, F0 16 है, F1 क्या आपके पास है 24 -16 अपॉन 2F1 -F0 -F2 एंड इंटू आई, आई क्या आपका 8 है। अब सॉल्व करेंगे इसको आप, तो 24 8 प्लस 8 अपॉन 48 माइनस 16, 16 16 माइनस 1 इंटू 8, सॉल्व करेंगे 24 प्लस 64 एंड 88 इज योर करेक्ट आंसर। नहीं आई बात समझ में बच्चे, क्लियर है। क्लियर है, तो ये पूरा का पूरा है, काफी कलर में थोड़ा सा हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ तो सही दिख रहा है, वहां देख, चलो इसको ठीक कर लेंगे, आगे भी डार्क कलर ले लेंगे, ब्लैक ले लेंगे। क्लियर है बच्चे। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखें आप यहाँ पे, तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, गिव बिलो द डिस्ट्रीब्यूशन द वेट ऑफ द ग्रुप ऑफ द 60 स्टूडेंट्स इन क्लास, फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज दिख रहा है, लेकिन इसमें आप एक बात देखिए, कॉन्टिन्यूस सीरीज में जब भी आप काम करते हैं तो एक्सक्लूसिव पार्ट में काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां पर क्या करना है, इसको एक्सक्लूसिव में लेके जाना है, ठीक है। अगर आप इसको एक्सक्लूसिव में लेके जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने क्लास इंटरवल को करेक्ट करना है, उसको आपको एक्सक्लूसिव बनाना है, जो कि ऑलरेडी आपने मीन में सीख लिया था एक बार, आप बार बार उसको सीखने की नीड नहीं है, एक बार सीख लो, बाकी हर
टॉपिक में वो चीजें आपके मैनेज होंगी। फ्रीक्वेंसी भी ले लेते हैं, तो कई बार आपको ग्रुपिंग मेथड करने की नीड नहीं भी होती है, क्योंकि आपको साफ नजर आ रहा होता है कि कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार आया है, तो क्यों ग्रुपिंग मेथड से आप उसको करोगे, खासकर कंटिन्यूस सीरीज में। पर जब मेंशन कर दे कि ग्रुपिंग मेथड से करना है आपको, तो उस सिचुएशन में तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे इस केस को मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप करेंगे, बाकी मैं पूरा आपको गाइडेंस दे रहा हूं क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए, जैसे कि आपके पास में एक्स डेटा को आपको करना है, तो आप देखिएगा ये 34 है, 35 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 35 और 34 में गैप कितने का है, 1 का है। इसको 2 से डिवाइड करो, क्या है 0.5। तो अब सबके लोअर लिमिट है 0.5, माइनस करो तो 29.5, और इसमें प्लस करोगे तो 34.5, 5 का गैप है, ये कंटिन्यू चलेगा। तो करके देख लीजिए, 34.5 माइनस 0.5 प्लस तक, और बार बार करने की नीड आपको नहीं है। क्यों, आप एक बार लिख लो, 5 का गैप आपको है, ये समझ में आ गया है। 44.5, 49.5, 49.5, 54.5, 54.5 and 5 का गैप देंगे 59.5, same 59.5 and 5 का गैप देंगे 64.5। और फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, कभी भी आप इंक्लूसिव का स्प्लिट में लेके जाते हैं, फ्रीक्वेंसी नो चेंज, 3, 5, 12, 18, 14, 6 and 2। ग्रुपिंग मेथड की नीड है नहीं। जब आपको पता लग रहा है कि आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है, 18 ये है ना, तो अपने इंटरवल का आप सिलेक्शन कर लीजिए, दिस वन, अपने इंटरवल का सिलेक्शन कर लीजिए आप, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 है ना, ये दिस वन। अब इसमें आपको पता लग गया कि किसको क्या कहेंगे, ये आपका F1 है, ऊपर गए F0 हो गया, नीचे गए F2 हो गया, ये L हो गया। तो इसमें क्या क्या चीजें आपके पास में, L इक्वल्स टू L equals to 44.5 and I equals to 5 and F1 equals to 18, F0 equals to 12 and F2 equals to 14। आपको मोड का फॉर्मूला अप्लाई करना है सिंपली, कि मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू I। ये मोड का फॉर्मूला है। L क्या आपके पास में 44.5 प्लस F1 क्या आपके पास में, F1 आपके पास में 18 और F0 12 एंड 2 इनटू 18 माइनस 12 एंड माइनस 14 एंड इनटू 5। सॉल्व करेंगे, 44.5 प्लस 6 36 और 24 एंड 10 इंटू 5, 2 44.5 प्लस 3 47.5 आपका मोड है। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको, कोई डाउट? तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आप इजीली अटेंप्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये यहां पर आपके पास में आ गया, अब इसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी, आपको मोड यहां पर गिवन है, तो फ्रॉम द फॉलोइंग वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ द मीडियन एंड द मोड आर गिवन एज 33.5 एंड 34 रिस्पेक्टिवली। टोटल ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का, आपको मीडियन भी दिया हुआ है, तो आपके पास आपको ये देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्लासेस में इस क्वेश्चन को कवर करेंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे मिड वैल्यू क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे आप, और फिर उसके बाद कुछ अदर वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम बहुत जल्दी ही इसको वाइंड अप करेंगे, क्योंकि आपके पास में फिर हम इसका हार्मोनिक मीन भी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ेंगे भी है। अब टाइम आ चुका है कि मैं क्लासेस शायद आपका रेगुलर भी कर दो, तो क्लासेस को शुरू में ऐसे ही रहता है क्लासेस, आप शायद आप में से बहुत बच्चे बिजनेस मैसेज पढ़ चुके हैं, तो शुरू में थोड़ा अल्टरनेट डेज बेसिस पे होता है, बच्चे एनरोल हो जाएं, सारे आ जाएं, बड़ा स्लोली स्लोली चलाता हूं थोड़ा सा मैं, उसके बाद आपने भी बिजनेस मैथ्स में रखा कि फिर रेगुलर क्लासेस में कर देता हूं। तो अब जल्दी ही आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएगी। हमारे पास है मार्च का महीना है, मार्च के महीने में मेरा टारगेट है मार्च में कि मैं आपकी 2 यूनिट को कवर कर पाऊं, तो 2 यूनिट मैं मार्च के मंथ में आपका कवर कर दूंगा।
और आपका इंडेक्स नंबर आपका जो दिया हुआ है आपका कंटेंट में से पढ़ना है आपको, टाइम सीरीज कंटेंट में से पढ़ना है, दो आपका जो ऑलरेडी क्लासेस है, पुरानी क्लासेस बिल्कुल भी नहीं है बच्चे, सिर्फ आपके बैच शुरू होने से पहले 5 से 7 दिन पहले ही वो क्लासेस खत्म हुई हैं, तो बिल्कुल भी पुरानी क्लासेस नहीं है। आप अपने जेके ठकराल की बुक आपके पास में है जो अभी का एडिशन है उससे आप क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, ठीक है, 10 ईयर से भी मैच कर लीजिएगा, बिल्कुल पुरानी क्लासेस नहीं है। तो आपके 2 यूनिट इंडेक्स नंबर और आपका एक टाइम सीरीज, दो को आप कवर करके चले। बाकी चीजों में मैं आपको यहां से लेकर के आगे बढ़ूंगा, मेजरमेंट ऑफ सेंडर टेंडेंसी के बाद कर्टिसिस, स्क्यूनेस, इन टॉपिक को हम कवर करेंगे, इससे PYQ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ने का। टाइम सीरीज इंडेक्स नंबर ऑलरेडी आपका कवर्ड है, देन हम प्रोबेबिलिटी को मैं कोशिश करूंगा 20 से 25 दिन बड़े आराम से पढ़ें लाइव क्लासेस में। कॉलम वाला समझ में नहीं आया तो बच्चे कॉलम वाला आपके पास में ये रहा, कॉलम जब ग्रुपिंग मेथड बोलते हैं ना तब करना है कॉलम क्रिएट। कैसे कॉलम क्रिएट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी फर्स्ट कॉलम है, उसके बाद 5 कॉलम और बनाने, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सेकंड वाले के 2 कॉलम बनेंगे, दिस फॉर दिस, दो दो फ्रीक्वेंसी को ले लेके बनेंगे, फ्रेश फ्रेश दो को, जहां एक को ड्रॉप कर दो ये बन गया। अब उसके बाद 2 कॉलम हो गया, उसके बाद हम 3 कॉलम को 3 बनाएंगे, 3 फ्रीक्वेंसी को लेके 3 कॉलम बनाएंगे, तो 3 ले लिए फिर 3 ले लिए और फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखेंगे ना, तीनों फ्रीक्वेंसी ऐड करके लिखेंगे, और यहां पर फिर डेटा मैंने मैनेज कर दिया, इधर मैंने सारे कॉलम का नाम दे दिया। तो फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट क्या है, तो फर्स्ट मतलब कि फ्रीक्वेंसी वाले में हाईएस्ट 24 है, तो जो है उसके आगे मैंने फर्स्ट कॉलम है 24 का डेटा, तो डेटा के आगे मैंने जाके मार्क कर दिया, सबसे ज्यादा किस डेटा के आगे मार्क हुआ है उसका हमने सिलेक्शन कर लिया। अब उसमें F1, F0 एंड F2 हो गया, ये कंटिन्यू सीरीज का पार्ट है, डिस्क्रीट में डायरेक्ट हो जाता है आपका, क्लियर है। तो मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लासेस में, क्लियर है ना, ये सारे क्वेश्चन करेंगे भी हम मोड के, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।